Hey friends, welcome back to a new video. तो आज हम करने वाले हैं eating challenge और वो भी ऐसी वैसी नहीं कुरकुरे की eating challenge. नहीं पिज्जा की eating challenge. मुझे तो कुरकुरे खाने हैं. तो मेरे को पिज्जा खाने हैं. एक काम करते हैं, आज कुरकुरे पिज्जा बनाते हैं और फिर उसकी eating challenge करते हैं. ये बात हुई ना. तो आज हम करने वाले हैं कुरकुरे पिज्जा eating challenge. तो ये कुरकुरे पिज्जा हम कैसे बनाते हैं और भाई उसकी eating challenge में आखिर कौन जीतता है वो सारा देखने के लिए आज की चैलेंज पूरी देखना. और अगर आपको आज की चैलेंज अच्छी लगे तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक जरूर कर देना. और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो. तो चलिए अभी बिना किसी देरी के आज की चैलेंज शुरू करते हैं. यस सो लेट्स गो. आज के लिए मैं ये कुरकुरे लेकर आया था. तो भाई ये तीन कुरकुरे है, उसमें से सबसे पहला है ये सॉलिड मस्ती. ओहो भाई ये खाकर बहुत मस्ती करते हैं क्या सब. हाँ. और ये दूसरा है वो चिली चटाका, भाई चटका लगता है. तीसरा है ये कुरकुरे का मसाले मंच. और भाई मैं लेकर आया हूँ 1, 2, 3, 4, 5 and 6 छह पिज्जा. और वो भी कौन से है? डोमिनोज के. ये रहा देखिए, कितना बड़ा पिज्जा है. ओ माई गॉड, कौन सी एंगल से बड़ा है ये रेगुलर साइज वाला है भाई. एक हथेली में आ जाए ना वैसे. नहीं हथेली से तो बड़ा है भाई. हाँ भाई थोड़ा बड़ा है. बड़ा है, बड़ा है. तो भाई अभी हम इसको बनाएंगे कुरकुरे पिज्जा और फिर करेंगे उसकी ईटिंग चैलेंज. तो ये रहे हमारे कुरकुरे पिज्जा. तो भाई हमने कुरकुरे पिज्जा बना के रेडी कर दिए है और हम दोनों के पास तीन अलग अलग तरह के कुरकुरे पिज्जा है. ये है चिली चटका, ये है सॉलिड मस्ती और ये है मसाला मंच. और मेरे पास भी सेम वही है जो भाई के पास है. तो ये जो पिज्जा है वो हमने पहली बार ट्राई किया है तो भाई वो कैसा टेस्ट होगा वो तो हमको नहीं पता है. तो आज हम ईटिंग चैलेंज करने से पहले सब पिज्जा को एक एक पहले बाइट टेस्ट करेंगे, उसके बाद उसकी ईटिंग चैलेंज करेंगे. हाँ, तो अब सबसे पहले ट्राई करते हैं ये मसाला मंच पिज्जा. कुरकुरे और डोमिनोज का हमने शादी करा दिया है और उनका ये जो बच्चा आया है ना वो हमारे हाथ में है. भाई कितना सही दिख रहा है. तो अभी सबसे पहले इसका एक बाइट लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये कैसा लग रहा है. ओ भाई साहब, वाह हाँ, वाह भाई चीज भी अच्छा खासा डाला है हमने. ये देखिए, ओ होय 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 होय, अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है. लेकिन ये जो कुरकुरे का टेस्ट है ना वो पूरा ऐसा मिक्स हो गया ये पिज्जा के साथ. बस अभी रख दे, एक ही बाइट लेना है फिर इसकी चैलेंज करनी है. ये अच्छा तो लग रहा है लेकिन अभी एक्सप्लेन कैसे करें, कुरकुरे का टेस्ट और साथ में डोमिनोज का पिज्जा का टेस्ट और ढेर सारा ऊपर डाला है हमने मोजरेला और चेडर चीज, तो भाई उसका भी टेस्ट बढ़ गया. तो अभी अगला पिज्जा हम ट्राई करेंगे वो है सॉलिड मस्ती. तो अभी सॉलिड मस्ती का एक बाइट भाई लेते हैं और देखते हैं. वैसे सॉलिड मस्ती नहीं, सॉलिड मस्ती पिज्जा का. वाह देखिए तो सही चीज पूल. अरे इधर तो देखिए चीज पूल भाई साहब. ओए होए 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 भाई, अभी फटाफट कर, मेरे मुंह में पानी आ रहा है. ये मुझे अच्छा लगा लेकिन इससे ज्यादा अच्छा नहीं लगा. मेरे को तो ये सबसे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि सॉलिड मस्ती मेरी फेवरेट है. मुझे ये मसाला मंच वाला बहुत मस्त लगा पिज्जा. लेकिन सही में ये चीज ऐसी है ना, सिर्फ हम चैलेंज कर रहे हैं और हमने बनाया इसलिए उसका तारीफ नहीं कर रहे, सच में बहुत अच्छा लगता है. अगर आप ये ट्राई करना चाहो ना तो भाई घर पे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सही लग रहा है.
बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बस ये भाई कुरकुरे वो डाल दो, इसके ऊपर थोड़ा वो चीज डाल दो, मोजरेला और शेडर चीज, बस खत्म। और भाई ओवन में गरम कर दो 2 मिनट। वो भी हमने अमूल का चीज लिया था, वो डाइस किया हुआ था छोटे छोटे टुकड़ों में, तो भाई उसको ऊपर डाल दो। माइक्रोवेव में कितनी मिनट के लिए रखना है? 2 मिनट। हाँ, माइक्रो पावर में रखना है। देखो 2 मिनट में ना मैगी रेडी होती है नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन ये रेडी हो जाता है। तो अभी लास्ट में जो पिज्जा ट्राई करेंगे वो है ये हमारा चिली चटका। तो अभी चिली चटका टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले एक बाइट, और आपको बताते हैं। एक्चुअली ये हम एक एक बाइट पहले क्यों टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ईटिंग चैलेंज शुरू हो जाएगी फिर तो पॉप 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 खा लेंगे फटाफट फटाफट, कुछ पता नहीं चलेगा, फिर बता कैसे पाएंगे आपको कि किसका टेस्ट कैसा था, और बाद में बताएंगे सबका एक साथ तो फिर हमको भी याद नहीं रहेगा कि कौन सा सबसे बेस्ट लग रहा था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा बोल रहा है टेंगी जैसा कुछ लग रहा है ना, लेकिन भाई ये सारे पिज्जा के टेस्ट बहुत मस्त है। मेरा सबसे फेवरेट सॉलिड मस्ती है और मेरा ये चिली चटका। तो चलिए भाई सबके एक एक बाइट लिए, मतलब सबके एक जैसे पिज्जा कम हुए। तो अभी ये 6 के 6 पिज्जा की हम करेंगे ईटिंग चैलेंज, और साथ में लेंगे भाई 2 डाइट कोक। अभी ये डाइट कोक दोनों खत्म करनी जरूरी है? नहीं है भाई, ये तो सपोर्ट के लिए है ये सारी चीज, तो जिसको चाहिए होगी जितनी वो पिएगा डाइट कोक, बाकी अगर रहने देगा तो उसकी मर्जी। लेकिन तीनों तीन पिज्जा सबसे पहले जिसके खत्म होंगे वो आज की चैलेंज का विनर। तो कुरकुरे डोमिनोज पिज्जा की चैलेंज शुरू करते हैं इन 3 2 1 गो। कोक के बिना ये चैलेंज खत्म नहीं हो सकती। इतनी देर खोल कर रखना तो ठंडा हो गया थोड़ा। तो अभी तो रबर जैसा फील हो रहा है। बहुत ठीक लग रहा है। नहीं चीज भी कितनी ज्यादा डाली है हमने। डोमिनोज पिज्जा की है ये चीज मेरे को अच्छी नहीं लगती, उसका ना पिज्जा का जो डो होता है ना बहुत फीक रहता है ना। लेकिन टेस्ट में उतना ही मस्त है। दूध तो ना दूध या चाय जैसे डुबो के खाता, हमने ये वापस से गर्म किया ना उसमें ऐसा हो गया भाई, ठंडा है ना इसी में इसके लिए। मेरा 1.5 बचा है वो तो मेरे से आगे। ये ना आप ऐसे गर्मा गर्म खाते हो ना तो मजा आता है, लेकिन एक बार ये ठंडा हो जाता है ना पिज्जा भाई, और ऊपर से हमने इसको 2 बार गर्म किया है तो इसमें भाई हालत टाइट हो गई है। और दूसरा ये जो डोमिनोज के जो रेगुलर वाले पिज्जा आते हैं ना उसका भाई उसका क्या, हर एक पिज्जा में ना उसके जो हैंड टोस्ट आते हैं ना जो डो उसमें भाई ये खतरनाक वाला रहता है तो थिक।
भाई देखने जाएगा आज के चैलेंज में जीत गया। अरे जीत गया मैं मान लिया, अरे मत कर मैं मान लिया तू जीत गया। अरे यार मेरे से है ना एक बार जो चीज रबर जैसी हो जाती है ना फिर वो नहीं खाई जाती। चलो भाई अभी जब हार ही गए हो तो भाई ये ऐसे जबरदस्ती क्यों खाऊं, इसको फिर से गर्म करके मैं आराम से खाऊंगा। और वैसे भाई टेस्ट है ना इसका भाई सच में बहुत अच्छा, मतलब यानी बहुत अच्छा है ये। एक बार आप ट्राई करना घर पे, ये सच में आपको मजा आएगा। ये खाने के बाद है ना सच में आप हमको बोलोगे कि नहीं आपने जो सजेशन दिया भाई वो सच में सही था, है ना। आज की चैलेंज यहीं पर ख़त्म। जैसे आप देख सकते हो भाई मैं बहुत बुरी तरह से हारा हूँ। आधा पिज्ज़ा ये और ये पिज्ज़ा की थोड़ी स्लाइस और ये साइड की वाली बॉर्डर, इसकी सबकी मिला के एक स्लाइस समझ सकते हैं हम। हाँ एक स्लाइस या डेढ़ स्लाइस खा ले। और आपको ये चैलेंज कैसी लगी वो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और भाई आपने ये कभी ट्राई किया है या नहीं वो भी बताना। हाँ। क्योंकि भाई हमने तो पहली बार ट्राई किया और हमको तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपने ऑलरेडी ये ट्राई किया होगा तो भाई वो कैसा लगा वो भी जरूर बताना। और अगर ट्राई करोगे तो भाई जिसने ट्राई किया है वो करने के बाद भी बताना कि कैसा लगा। हाँ है ना भाई आज मैंने भाई को मस्त तरीके से हरा दिया। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैलेंज में, तब तक के लिए बाय बाय।